से सहमति प्रकट की है। जहां तक विद्यालय खोलने की बात है, इसकी प्रक्रिया माननीय सदस्य समझ लें तो विद्यालय खोलने में आसानी होगी कि विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पंचायत के स्तर से शुरू होता है, पंचायत समिति के माध्यम से होके डीओ के माध्यम से आता है और उसके लिए विद्यालय भवन बनाने के लिए भूमि भी चिन्हित करके पंचायत और समिति के माध्यम से भेजा जाता है। हम अपने तरफ से भी निर्देश दे रहे हैं, आप भी स्थानीय स्तर पर पहल कर दें, हम लोग जल्दी से जल्दी खुलवा दें। श्री अमरजीत कुशवाहा महोदय एक मिनट। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रोन्नति में आरक्षण के बिंदु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद लंबित रहने के कारण राज्य सरकार के द्वारा सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रकार की प्रोन्नतियों एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। तदालोक में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। रोक समाप्त होते ही विभागीय नियमानुसार प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जाएगी। महोदय, जैसा कि हमको पता चला अन्य जिलों में प्रोन्नति के कार्य हुई है, केवल आप सीधे पूरक पूछिए। पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय, जो अगर वो पूरक पूछने के बजाय भूमिका बनाएंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। महोदय, तो उसमें जो है एक तो सरकार द्वारा मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि न्यायालय में प्रक्रिया बात जो है लंबित है, तो हम ये चाहेंगे कि मंत्री महोदय बतावें कि इसमें सरकार क्या प्रयास कर रही है और कब तक जो है इसमें निपटारा बता करके। तो दिए डिटेल में नहीं, डिटेल में नहीं हुआ महोदय। महोदय, ये हम समझते हैं सदन के अधिकांश माननीय सदस्य अवगत होंगे कि ये कोई एक विभाग शिक्षा विभाग का मामला नहीं है। हर विभाग में जो प्रोन्नति है, चूंकि इसमें दो बिंदु है, जो न्यायालय दो बिंदुओं पर विचार कर रहा है, एक तो आरक्षण के प्रावधानों पर और दूसरा जिसको हम परिणामी वरीयता कहते हैं, कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी जो होती है, इन दोनों बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, इसलिए उस मामले के निष्पादन तक सरकार ने प्रोन्नति देने के मामले को स्थगित कर दिया। श्रीमती किरण देवी,